एक बार फिर से आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। हर मुकाबले के पहले रउआ सबके बीच में हमने का परिचय दिहल जला। अपना सरपंच महोदय लोगों का ई हीरा लाल यादव जी भोजपुरी के जर्रा जर्रा जाने ला। भरत शर्मा व्यास जी, अब वो शख्सियत का परिचय हम देवे जाते हैं। बालेश्वर जी भोजपुरी का जर्रा जर्रा आप लोगों से वाकिफ बा। भरत जी, रउआ के निहोरा करतानी पर्ची देख के बताई ना आज केकरा से केकर मुकाबला बा। हाय 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 हाय, इतना प्यार से बोलबू तो पत्थर पिघल के मोम हो जाई। विश्वनाथ यादव, गीता त्यागी, आज के बिरहा दंगल में हुई संगीतमय कुश्ती। आ रउवा सभे की मस्ती। आज के मुकाबला बा बिरहा के जानल मानल गायक कलाकार विश्वनाथ यादव जी आ सुप्रसिद्ध बिरहा गायिका गीता त्यागी के बीच। तई संगीतमय मुकाबला के आनंद लेवे खातिर रउवा सब हो जाई तैयार। ई बालन विश्वनाथ यादव जी, ई है गीता जी, टॉस हो जाओ। तो फिर उड़ावा? हम कहां से उड़ाई, टॉस तो रउआ के पास बा ना। तो हमारे टॉस से का दिन काम चलेबू ला। ठीक बा, ज्यादा भाव मत खाई, अगला बार से हम ले आई टॉस। चला उड़ावा। टॉस नहीं, पता नहीं हीरा होगल, इतना भाव बा। हाय 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 हाय, विश्वनाथ जी जीत गए निहाम। जीत गए निहाम बोले तो ऐसे बानी जैसे लगा बिरहा दंगल जीत गई नी। हम तो जानता नहीं कि हमार महारानी इतना बुलंद बाड़ी कि हमार महारानी है जीती, एमे कोई शक के ना बा। ताली बजाओ ना। ये जो दरिया फरिया कर जे भरी ताली बजोले का घरी ताली बजबू जे भरी। बहुत बोला ताड़न, हम इनके फरिया नहीं, एकरा पहले हमनी के ले तानी जाए गो छोटी चुक्की ब्रेक। ब्रेक के बाद हमनी के फिर से हाजी ढूंढी जाए ये कार्यक्रम बिरहा दंगल में। तो विश्वनाथ जी शुरू करी, ऐसन सुनाई कि अब हम एकरे आगे कुछ बोल नहीं खी पावत। वाह वाह। बहुत अच्छे। महुआ चैनल के संजन से आज बिरहा का प्रोग्राम आप लोग सुने थे। यही कड़ी में हमरी ओर से एक प्रसंग बा। ए प्रसंग में हम साबित करब गुरु ईश्वर से भी बढ़ के होता है। बा 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 बा, बहुत अच्छा है। गुण का सागर गुरु ज्ञान की गंगा है, गुरु दीप है शिष्य उसका उजाला, गरिमा गुरु की है ईश्वर से बढ़ के, गुरु शिष्य का जग में रिश्ता निराला। मास्टर तर्ज बदल गई। बहुत अच्छे मोड़ रहा है। कसौटी तर्ज बदल गई। जहाँ आदमी बिकाला के जहाँ आदमी बिकाला ऊ बाजार ना
गाने का भाव है कसौटी लगल सुनिए सुना रहा हूँ बहुत अच्छे सुनिए सुना रहा हूँ इतिहास की कहानी सुनिए कहानी के परिचय बा स्वामी ते हरिदास संगीतज्ञ दिवाकर रहते थे वृंदावन में ये कुटी बनाकर चेला था उनका तान सेन निकला नलायक बैजू को देके दीक्षा बनाए वो गायक बहुत बढ़िया वृद्धा बहरी दास जी जब स्वर्ग सिधारे बैजू ने अपने गुरु जी की गद्दी संभाले चेलों को जुटा कर लगे संगीत सिखाने दीक्षा दे के शिष्यों को आदर लगे पाने होनहार जिनका चेला नायक गोपाल था उम्र थी 16 साल गुरु संग निहाल था ए भैया वृंदावन में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा उनके मरले के बाद ओ मठ खभैलन मठाधीश इन्हों का मुहे रहल चेलन के जुटाए के संगीत के शिक्षा दें महुआ चैनल के बिरहा दंगल में हम संगीत का दंगल सुनावे चलत हैं आप लोगों के बहुत अच्छे थालियां इतना बढ़िया गावत है बढ़ल मास्टर एक ठे तर्ज है लेकिन गीता त्यागी मत समझ लिया कि हम मैं कहत हूँ ई राज दिले बा वो गीत में कि चलन उतान चलन उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला गावे ला गोपाल गावे ला गोपाल भजन संगीत में भर के हाय क्या बात है भैया सबही के छीने चैन बरस जाते हैं सबके नैन बिरह गोपिन के सुन के गावे ला गोपाल भजन संगीत महज 14-15 साल का लड़का नायक गोपाल इतना बढ़िया गावे कि दिल जीत ले बैजू बावरा का तो माने हो बैजू जेके जन्म से प्यारा समझे धर्म के बेटा अखिया के तारा बड़ा हृदय में रहे अपने गुरु के उचेला एक दिन के बाद बा तर्ज बदल गए मास्टर एक दिन नायक गोपाल बात समझ ले बात समझ में आ जाई जंगल की ओर गया कहीं टीले पर बैठ के अपने धुन में मस्त था गुनगुना रहा था उसी समय जोधपुर के कुछ दर्शनार्थी पहुंचे हैं वृंदावन में मधुर आवाज आई कान में कहे कि कौन गा रहा कहाँ गा रहा खोजते हुए जब गए तो देखा कोई बूढ़ा नहीं कोई जवान नहीं मस्त 13-14 वर्ष का एक बच्चा अपने धुन में मस्त था कहे गेरे बेटा क्या भटक रहा है पहाड़ियों में तू तो इतना बढ़िया गा रहा है कि अगर तेरा गाना जोधपुर के दरबारी गायक मंगल सेन से हो जाए तो निश्चित तौर पर तू उसे हरा देगा राजपाट में मौज लेगा यहाँ क्यों पड़ा है कहना है भैया कब जीवा कहना कि बस दिन भर घूम के शाम के हमने लौट जा कहना कि देखा
वो जो कुटिया दिखाई पड़े तो वहाँ एक बुढ़ा हुई, उसे बताया मत कि हम आप लोग इनके संगे चलब। पहली गलती किया गोपाल। लिवा के जब गए हैं राज दरबार में, दरबार लगा था, मंगलसेन गा रहा था, लोग कहे कि सरकार एक बच्चा आया है, बड़ी इच्छा है उसकी, मंगलसेन के साथ संगीत का दंगल गाना चाहता है। कहे कौन है वो, ले आओ। जब पहुंचा है नायक गोपाल, कहे कि बेटा गाओ, क्या गाना चाहते हो? तो गौले बाम अर्ज बदल गई, हाय रे तेरी पायल करे है दीवाना, हाय रे तेरी, छेड़ दिया, अरे छेड़ दिया नायक गोपाल जब तराना, सुन के सभी लोग भइले दीवाना, अरे झूमा उठा सारा दरबार, सारा दरबार झूम गया। राजा कहे बेटा जीवन में पहली बार ऐसी संगीत सुना हूं, मंगलसेन अब तुम्हारी बारी है। मंगलसेन हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा कि सरकार ये बच्चा जरूर है, लेकिन संगीत का इतना लंबा अनुभव इसका है कि मैं इसके बराबरी में नहीं गा पाऊंगा, मैं हार मानता हूं। कहे ठीक है, ठीक है, बैठ जा। अरे लड़के एक सवाल का जवाब देना। कौन सा सवाल है बाबू? तर्ज बदल गई, गायक कलाकार हो तू कैसा हो नहार हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। व्याकुल मनवा के धीरज बंधावा ना, के कर चला हुआ हम के बतावा ना, कहाँ सीखा है संगीत? दूसरी गलती की आशय से। कहा सरकार मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं तो ऐसे ही भजन कीर्तन मंदिर में गाते गाते संगीत सीख गया हूं। कहे ठीक है, ले जाओ, दिखा दो इसका बंगला इसे, आज से जोधपुर का दरबारी गायक यही बच्चा है। बंगला मिलल, गाड़ी मिलल, ऐश आराम का साधन मिलल। कहना है के खुशियों में गम का मेला लग गया भैया, खुशियों में गम का मेला लग गया, गुरु की गरिमा को जब किया कलंकी चेला। बहुत अच्छे। चेला तो पूरी हलवा काटत बा राज दरबार में, आ गुरु बैजू भावरा पागल हो गया, जंगल में पहाड़ी में भटक रहा, घूम रहा, खोज रहा, गोपाल 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 रो रहा है पागलों की तरह से। कहा मुन्ना कहा गया बाबू, हमें छोड़ के कह रहा है, हमके जंगल वही में छोड़ गई लाहिरा, अरे कवन करनवा मुख मोड़ गई लाहिरावा, हमके जंगल वही में छोड़ गई लाहिरावा, आखिया के ज्योति मोरे दिल के रतनवा, तोरे बिना बेटा नहीं आवला चयनवा, हमारी कमरिया के तोड़ गई लहीरावा, हमके जंगल वही में छोड़ गई लहीरावा, पागलों की तरह से बेजू बावरा एक पेड़ के नीचे सोया है। उसी समय ये भैया जनते हुआ बिना खैले उंघाई लगे, कभी तही झप्पी लग जाए कभी खुल जाए, बैजू बावरा सोया है। एक राही आयल, बढ़िया पेड़ का छाया देखले, सुहो बैठ गेल, अज तई आराम मिलल तो गुनगुनाए लगल। त
तर्ज बदल गई भैया, कवन तर्ज बा? अरे पियाला मिला ला 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 मुंगावा बोल के सपना रे नाना दी या या तब गाया है गोपाल वाला गनवा हर सिप मनवा भई लेना राही गुनगुनाए लूहे गाना जौने के नायक गोपाल गावे कान्हा मोको दगर चलत दिन गारी गनवा सुनत बैजू अचरज भय भारी बाबा बाबा तब बोले है पकड़ के चरणवा हरषित मनवा भई लेना आधी लाइन गाया कान्हा ने मोको डगर चलत दिन ही गारी बैजू बावरा को उंघाई खुल गिल आंख में आंसू बा कलन भैया एक बात बतैबा कलन दादा तू रोवत काहे हुआ आखिर काहे रोवत हुआ कान्हा एक बात बता दे बेटा कहा तू सुनला हमें बतावा गानावा मनावा ब्याह खुलबा खातिर तड़पत मोर पर नवा मनावा ब्याह खुलबाम वही गावे के खोजत खोजत गावे वाले के तो पागल हो गई बेटा बताया है वो जोधपुर के दरबारी गायक गोपाल गाता हो गा करके संगीत सुघर है सबका मन बहलाता हो बहुत अच्छे जोधपुर का दरबारी गायक एक ठे बच्चा आजकल हो दादा उकर नाम हो नायक गोपाल जब गावला सारा दरबार झूम जाला आंख में आंसू लेके हाथ जोड़ के बैजू बावरा कलन की बाबू एक ठे काम कह देब भेंट करा देब हमसे कलन की चला दादा रोवा मत भेंट करा देते हैं लाठी ठेंगन पहुंचतौ न छनवा मनवा व्याकुल बाप रोवे धई के गोपाल के गर्दनवा मनवा व्याकुल बाप गा रहा था दरबार सजा था नायक गोपाल अपने धुन में मस्त था लाठी का सहारा लिए बैजू भावरा 80 साल का बूढ़ा गया नहीं रुक पाया अपने आप को पकड़ लिया बाहों में बेटा बिना बताए मुझे चलाया गोपाल देख मैं तेरे बिना पागल हो गया हूँ बेटा दाढ़ी बढ़ गई है कई दिन से खोज रहा हूं तो मुझे बताया तक नहीं बेटा बहुत अच्छे बादशाह का कौन है ये कौन है यार कैसे चलाया दरबार में जमी जमाई महफिल चौपट कर दिया इसलिए कौन है ये सर ऊंचा करके बैजू बावरा कहा कि सरकार जो बच्चा आपका दरबारी गायक मैं उसका गुरु हूं क्यों ये तेरा गुरु है तीसरी गलती किया गोपाल कहा सरकार लगता है कोई पगला है अपने पागलपन में मुझे अपना चेला बता रहा है राजा का आगे ले जाओ सिपाहियों ले जाओ ठेल के इसे कैद खाने में डाल दो इसका पागलपन ठीक हो जाएगा दाना पानी मत देना इसे दो दो सिपाही दो तरफ से लगे ठेल के ले जाने लगे 80 साल का बूढ़ा बैजू बावरा के आंखों में आंसू है रो रहा है
एक झलक देखा अपने शिष्य गोपाल की ओर, कहा मुन्ना ये पुलिस वाले मेरी बड़ी दुर्दशा करेंगे बाबू। कह रहा गुरु अपने शिष्य से कि हमारे चेला हो अरे काहे गईला गोपाल हमके भूल हमारे चेला हो। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। वो दिन याद कर बाबू, अनाथ रहलम तोहे लिया के हम पालन पोषण कैली, पढ़ा लिखा के संगीत सिखा के काबिल तो बनवली हमारे चेला हो। बस एक बार ले अपन गुरु कबूल हमारे चेला। बहुत अच्छे एक बार राजा के सामने अपना गुरु हमें मान ले बेटा, कह दे राजा से मैं तेरा गुरु हूं, जीवन में फिर गुरु मुझे मत कहना बेटा, खाली मुझे सिपाहियों से छुड़ाने के लिए बस एक बार गुरु कह दे बाबू। मुन्ना आंखों में आंसू है, गोपाल कहा सरकार लगता है ये पूरी तरह से पागल हो गया है, बार बार मुझे अपना चेला कह रहा है। कहे ठीक है 80 साल के बूढ़े के दिल में रोष आया, कहा गहरा राजा अन्यायी राजा, क्या तेरे दरबार में कोई चेला अपने गुरु अपने चेला को चेला कह दे शिष्य कह दे तो तू उसे अपराध समझता है? कौन सी गलती किया हमने, इस बच्चे को अपना चेला ही तो बताया, इसके लिए मुझे जेल भेज रहा है तू? अरे अन्यायी राजा मैं तो साधु हूं, मेरे मरने जीने जेल से जाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे अन्यायी राजा टिकते नहीं, बहुत जल्दी विनाश होता है उनका। शर्मा गया राजा का आगे, रुक जाओ बुढ़े ये बता तू बार बार इस बच्चे को अपना शिष्य बता रहा है, ये तुझे गुरु मानने को तैयार नहीं, तो अब तो हम यही सोच रहे हैं कि तू गुरु है तो तू तो इससे बढ़िया गाता होगा, तो आज तेरा और इस बच्चे का संगीत का दंगल होगा, तू इसे हरा देगा मैं मान जाऊंगा तू इसका गुरु है। आंखों में आंसू भरभरा गया बैजू बावरा के 80 साल के बुढ़ापे में जिसे चलने की शक नहीं है, कई दिन खाए पिए हो गया था, आज आंखों में आंसू कह रहा कि कैसे संभव है 80 साल का बूढ़ा इस बच्चे का केसवर का जवाब दे पाएगा। कहा राजा मेरा फैसला ये बच्चों का खेल नहीं। कहा ठीक है गाऊंगा कौन शुरू करेगा पहले, कहे कि तुम ही शुरू करोगे। बैजू बावरा उठा है, स्वर लगाया, एक गीत गाया, झूम उठा सारा दरबार शंकराभरण स्वर में, गीत गाया है सारा दरबार झूम गया। राजा कहा जीवन में पहली बार ऐसी संगीत सुना हूं, गोपाल तुम्हें जवाब देना है इसका, तुम भी इसी स्वर में गाओगे। उठा है, कभी सीखा हो तब तो वो गीत बैजू बावरा उस बच्चे को नहीं सिखाए थे, एक ही स्वर लगाया बेसुरा हो गया। राजा कहा रुक जाओ अब मैं समझ गया, ये तेरा गुरु है तू इसका शिष्य है,
ईश्वर समान गुरु का अपमान किया है तूने, मेरा फैसला है। पावन गुरु का, पावन गुरु का जग में जो ना समझे पिरावा, कुचल ले जाइया नायक गोपाल का हाथी से सिरावा। ले जाओ दंडस्थल पे इसे, पागल हाथी छोड़ दो, सिर्फ कुचल कुचल के इसके सिर से मार डालेगा, यही मेरा फैसला है। तब नायक गोपाल को किया गिरफ्तार हो, दंडीय स्थल पे लाए बाद के लचार हो। बोले राजा से बाजू बहा के नीरावा, दंडस्थल पे बांधने के लिए नायक गोपाल को लेकर चल दिए लोग। बैजू बावरा कहा कि राजा उसके हारने की सजा आपने दिया, मेरे जीतने का कोई इनाम नहीं बताए। राजा कहा बुढ़े मिलेगा इनाम, सब्र करो। कहा नहीं ये गलत बात है, हारने वाले को सजा जीतने वाले का इनाम तो साथ साथ होना चाहिए। राजा क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा, बोलो। गुरु कह रहा है कि माफ कई दामरे गोपाल का ना दानिया। बच्चा है सरकार, गलती किया इसे क्षमा कर दीजिए, यही इनाम मुझे चाहिए। सजा दूंगा दुष्ट को तब राजा कहे ज्ञानिया, दे देवल पुरस्कार अब बना के धीरावा। सजा तो इसे मिलेगी ही। कहे ठीक है राजा, नहीं चाहिए मुझे इनाम, इतना तो कर सकते हैं आप, जिस समय नायक गोपाल को कुचलने के लिए पागल हाथी छोड़ा जाए उस समय मुझे गाने का आदेश हो। हंसने लगा राजा, अभी रो रहा था उसके लिए क्षमा मांग रहा था, अब गाएगा। हाँ हुजूर गाऊंगा। ठीक है गा लेना। जब पागल हाथी चला है, बीच में ही बैजू बावरा बैठा, एक स्वर लगाया गणेश ताल में, बैजू बावरा जब गाने शुरू किए, कुचल गोपाल के जब हाथी चला खूनी, शंकरा भर की राग बैजू गाया गुनी, सुन के गाना मस्त हुआ हाथी बिरवा। सर झुका के हाथी गीत सुनने लगा। गीत जब बंद किया बैजू बावरा तो दंडस्थल की ओर न जाकर के बल्कि पुनः वापस लौट गया, राजा सिंहासन से उतर गया, पैर में गिर गया। कहा गिरे संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, क्षमा कर देना मुझे। अनजान में अपमान हुआ इस दरबार में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हाथ जोड़ करके सम्मान से कहा राजा कि दुनिया की कोई दौलत मांग सकते हो, बारे गुरु ईश्वर से बढ़ के गुरु होता है, फिर मांगा क्या। हमारे संग दे दम हमारी रावा, कुछ लल जाई हम नायक गोपाल के हाथी से सिरावा। तो गुरु बिहारी गुरु रमन कभी बेचन स्वर्ग के बासी, श्याम राम सीताराम भरत जी अभिलाषी हो। खुशियों में गम का मेला लग गया, भोला विश्वनाथ
वाह विश्वनाथ जी वाह, इतना खूबसूरत कहानी, इतना सुंदर कहानी इतिहास करुआ सुनौली कि एकदम लोग जैसे जनाइल की साफ सुन गई बा, महफिल में एकदम आवाज ही नहीं। बहुत सुंदर, हमने के बहुत खुश बहनी जा आपके ये कार्यक्रम से। प्रिया जी, गीता जी करत हैं तैयारी सबका नींद हराम करे के, उनका धमाका देखे से पहले हमनी के ले तानी जाए गो छोट खन्नी ब्रेक।